और अष्टांगी का महापर्व का कल समापन हो गया और आज इसका उद्यापन है। उद्यापन भी उन सारे पर्व की उपलब्धि का सारभूत होता है। हमने इन दिनों में काफ़ी उपयोगी, काफ़ी अच्छी जीवन का विकास करने वाली शुद्धिकरण की चर्चा की। उसमें मुख्य रूप से हमारी शिविर का विषय जैन दर्शन के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। जैन दर्शन में व्यक्तित्व विकास की जो वास्तविक परिभाषा है उसका सीधा संबंध हमारे आत्म तत्व से है। इसलिए आत्म तत्व का जो चरम विकास है वो व्यक्तित्व का चरम विकास है और उसकी विधि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, क्योंकि ये आत्मा के गुण हैं। तो जो गुण होते हैं जिस वस्तु के, उनमें यदि कोई विकृति आई हो तो उन विकृतियों का निराकरण होकर उन विकृतियों में के स्थान पर शुद्धि का जन्म होना, यह एक स्वभाव की ही दशा है। तो स्वभाव जैसा होता है विकास का रूप भी वही होना चाहिए। इसलिए चरम विकास माने आत्मा की परम शुद्ध अवस्था अर्थात सिद्ध दशा, उसे हम व्यक्तित्व का चरम विकास कहते। इसकी विधियों की मैंने ये व्यक्तित्व का विकास कैसे हो इसकी चर्चा तीनों स्वभावों को लेकर हमने निश्चय नय और व्यवहार नय के आधार पर की। इधर व्यवहार नय वो निश्चय के लिए भूमिका तैयार करता है और निश्चय नय उस भूमिका में अपना पुरुषार्थ करके विकास की ओर बढ़ता है। यह एक संक्षिप्त और सीधा रास्ता है और बड़ा सुंदर स्वरूप है ये जीवन का, कि जो अवसर मिले उस अवसर को प्राप्त करके हम अपने कार्य के प्रति तत्पर हो जाएं, इसमें संलग्न हो जाएं। तो अंत में हमने इस विकास के तीसरे चरण चारित्र की चर्चा की थी और उसमें हमने ये बात जानी कि चारित्र सचमुच आत्मा से दूर नहीं होता। आत्मा यहाँ है और उसका आचरण कहीं दूसरी जगह है, किसी दूसरे के घर में है, तो वह अनाचार है। वह सचमुच आचरण नहीं है, सदाचार भी नहीं।
क्योंकि सत्य तो हमारी ही चैतन्य सत्ता ही है हमारे लिए, और उसमें जो आचरण हो वो वास्तविक आचरण अर्थात चारित्र है। उस चारित्र की जो भावभूमि है, विशुद्ध भावभूमि, वे अणुव्रत महाव्रत आदि श्रावक दशा मुनि दशा 11 प्रतिमाएं, जिनको हमने विस्तार से नहीं लिया, लेकिन विशुद्धि के ये जो रूप हैं ये उस चारित्र पर आरोहण करने के स्थान हैं। चारित्र नहीं है, स्वयं चारित्र न होकर चारित्र पर आरोहण कैसे किया जाए, इसके लिए वे स्थान हैं विशुद्धि के। और यदि वे ना हों तो चारित्र की उपलब्धि नहीं होती। चारित्र की उपलब्धि उनके होने पर ही की जा सकती है, इसलिए उनको भी चारित्र के नाम से पुकारा जाता है। इसका नाम व्यवहार नहीं हुआ, और निश्चय ने क्या किया, यह जानकर कि मैं जिस चारित्र को प्राप्त करना चाहता हूँ वह यहाँ आकर प्राप्त हो सकता है, इसलिए व्यवहार भावभूमि का निर्माण करके चारित्र ने अपनी अंतरंग स्थिरता और लीनता का पुरुषार्थ शुरू किया और वह आत्मा में डूब गया, लीन हो गया। उस आत्मा में डूबना, स्थिर होना, लीन होना, इसका नाम वास्तविक आत्माचरण, स्वरूपाचरण अथवा चारित्र है, और उसका फल सुख होता है कि जो उसके साथ साथ चलता है। चारित्र वो अलग पर्याय है, सुख वो अलग पर्याय, लेकिन दोनों इतने परस्पर इतने संबद्ध हैं कि चारित्र यदि ना हो तो सुख नहीं मिलता। क्योंकि एक स्वाभाविक बात है कि हम जिस विषय को चाहते हैं उस विषय में यदि हमारी लीनता ना हो तो उसमें आनंद नहीं आता, उसमें सुख नहीं मिलता। इसीलिए आत्मा में लीनता अवदत तत्काल जो सुख है, आत्मा का स्वाधीन जिसमें किसी का अवलंबन, इंद्रियों का अवलंबन अथवा विषयों का अवलंबन रंच मात्र भी नहीं है, इसीलिए आत्मा अपने आचरण में निशंक और सुखी होता है। क्योंकि वो जानता है यह मेरा अपना घर है, इसमें प्रवेश का किसी को अधिकार नहीं है, और मेरा इसमें प्रवेश वह आपत्तिजनक नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकता। इसलिए निरापद भाव से वह उसे अपने चैतन्य सदन में विहार करता है, उसको चारित्र कहते हैं। ये चारित्र सचमुच तो वितराग भाव होने पर 12वें गुण स्थान में प्रकट हो जाता, 13वें में रहता है। फिर भी जो चारित्र की पूर्णता है वो 14वां गुण स्थान पूरा होने पर मानी जाती। उसका कारण है कि यदि चारित्र एक अलग गुण है और उसमें राग का सर्वथा अभाव होने पर, राग में चंचल परिणाम, विकारी परिणाम, उनका अभाव होने पर आत्मा को स्थिरता प्राप्त होती है अपने भीतर। चारित्र तो वही है वास्तव में, लेकिन
चारित्र की पूर्णता यहाँ क्यों नहीं कही जाती? क्योंकि यहाँ अभी भगवान अनंत परमात्मा को भी प्रदेशों की चंचलता रूप योग विद्यमान है और वह भी एक विकार है। तो जब तक संपूर्ण विकार समाप्त नहीं हो जाता और संपूर्ण आत्मा के गुण अपने स्वरूप में नहीं आ जाते, तब तक पूर्ण चारित्र नहीं कहलाता है। इसलिए चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान के अंत में माने सिद्ध दशा में मानी जाती है। ये उसका कारण ख्याल में रखने लायक। यद्यपि भगवान अरहंत को प्रदेशों का जो कंपन होता है, जिसको योग का विकार योग कहते हैं, तो वो कंपन उनको दुख पैदा नहीं करता। दुख पैदा नहीं होने पर भी वहाँ आत्मा का स्वरूप सौंदर्य पूरा प्रकट नहीं होता। दुख तो नहीं है, भगवान को सुखी है, लेकिन फिर भी उनका जो स्वरूप सौंदर्य है वो पूरा प्रकट नहीं होता। इसलिए वहाँ चारित्र की पूर्णता नहीं मानी जाती। आत्मा जितना है, जैसा उसका जैसा स्वरूप है सुंदर, वो पूरा प्रकट हो जाए और प्रत्येक गुण उसका संपूर्ण विकास हो जाए, तो वहां कहा जाता है कि अब कुछ करने लायक शेष, कोई आचरण अब शेष नहीं रहा, तब उसको चारित्र की पूर्णता कहते हैं। तो ये विधि भी सम्मान्य है, सम्मान करने लायक है। प्रदेशों का कंपन जो होता है उसमें हमको ऐसा लगता है कि भगवान कांपते होंगे, कांपते होंगे तो दुख जरूर होता होगा, लेकिन प्रदेशों के कंपन की जो दशा है वो ऐसी कंपन रूप नहीं है कि जिससे दुख पैदा होता हो। जैसे हमारा शरीर है और इस शरीर में परमाणुओं का स्वतः स्वयमेव ऐसा संचालन होता रहता है, घूमते रहते हैं कि उनका हमें पता नहीं लगता, तो कोई दुख भी नहीं होता और वे सारी प्रक्रियाएं अपने आप हुआ करती हैं। सप्त धातु का बनना, मलमूत्र का बनना, रक्तादि का बनना, ये क्रियाएं अपने आप होती हैं, लेकिन दुखद तो नहीं होती। इसी तरह है योग का कंपन, प्रदेश का कंपन, जैसे भगवान चलते हैं, बोलते भी हैं, मन से कुछ सोचते हैं या नहीं? मन से भगवान को सोचते हैं नहीं? मन वचन का ये तीन योग है ना, तो काय से तो चलना होता है, वचन से बोलना होता है और मन से सोचना होता है। मन कहाँ गया भगवान है? सोचने की प्रवृत्ति क्यों नहीं है? मन तो है, तो परीक्षा है आज, बैठने वाले हैं, ऐसा प्रश्न नहीं है और क्या? ये तो ऐसे प्रश्न हैं कि जो मोक्ष मार्ग में समाधान स्वरूप होने चाहिए। तो भगवान के जो मन है वो पौद्गलिक मन है, लेकिन पौद्गलिक मन के साथ जो भीतर भाव मन के जो अल्प विकास रूप है,
वो मन भगवान के, वो एक पर्याय है, सोचने विचारने की पर्याय जैसे होती है, वो मन का काम है। वो भगवान को इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उनके ज्ञान का पूरा विकास हो गया है और उसमें हर पदार्थ का स्वरूप साक्षात प्रत्यक्ष नज़र आता है, तो अब किस पर सोचें? सोचना तो तब होता है जब किसी बात का निर्णय लेना हो, किसी बात को समझना हो। भगवान को न कुछ समझना है और न किसी वस्तु का निर्णय लेना है, पर उनको अपना आत्मा और ये संपूर्ण लोकालोक ये एक ही समय में अत्यंत प्रत्यक्ष है, अत्यंत। इसलिए उनके भाव मन नहीं है। द्रव्य मन चूंकि पुद्गल है इसलिए वह पड़ा रहता है, उसका काम उसका पर्णमन कुछ भी होता हो लेकिन वहाँ विचार आदि पैदा नहीं होते, क्योंकि केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष ज्ञान पैदा हो चुका है। फिर भी केवल ज्ञान हो जाने पर भी जो प्रदेशों का परिस्पंदन है, प्रदेशों में हिलना डुलना, तो उससे कोई तकलीफ नहीं है। जैसे हमारे स्वाभाविक स्पंदन होता है इससे तकलीफ होती है, ये जैसे ये हाथ पैर हिलते हैं बोलते हैं जैसे तकलीफ होती है, कष्ट होता है कि नहीं होता? उसी तरह है, भगवान बोलते हैं ये तो केवल कहने की बात है, क्योंकि सचमुच उनके इच्छा नहीं होती और वाणी का परिणमन अपने आप होता है। उधर केवल ज्ञान है और इधर केवल ज्ञान अनुसारणी वाणी है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। और संबंध भी कहने मात्र को इतना है कि जो केवल ज्ञानी होते हैं तो उनको वाणी का परिणाम एक विशेष प्रकार का होता है, क्योंकि केवल ज्ञान अखंड है इसलिए वाणी भी अखंड होती है, उसमें अक्षरों के टुकड़े नहीं होते, पर वह एकाक्षरी और एकाक्षरी को अनक्षरी भी कहते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है ये कि भगवान को वो परिस्पंदन तो क्यों होता है, ये जो वाणी है ना, तो वाणी ये तो बिल्कुल पुद्गल की पर्याय है, पर ये वाणी होती ही तब है कि जब भीतर आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो। जैसे उदाहरण सितार है, तो चुपचाप पड़ी हो तो उसमें से आवाज निकलती है, तो कब निकलती है कि जब उसके तार को हिलाया जाए तब उसमें से आवाज निकलती है। तो तार का हिलना वो कोई तकलीफ का कारण है, और उसके साथ जो व्यक्ति गाता है वो तकलीफ का कारण है, तो वो जो परिस्पंदन है वो भगवान को होता है और वह अनंत दशा तक रहता है, 14वें गुणस्थान में वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन वह परिस्पंदन दुखदायक नहीं, दुख पैदा नहीं करता, वो इस तरह है एक विकार, शुद्ध रूप नहीं। शुद्ध रूप नहीं होने पर भी ऐसा विकार नहीं है कि जो कष्ट को पैदा करे। जैसे हमारे शरीर में एक फुंसी हुई, उसमें पीप हो गया, इसके बाद ठीक होकर उसके ऊपर वो काला कवर आ गया, काला जो आवरण होता है वो आ गया, फिर वो आवरण भी हट गया तो उसका निशान रह गया। अब उसको दबाते हैं तो दर्द होता है, तो क्या हमारा शरीर उस निशान जैसा है? नहीं। तो अगर वैसे ही निशान सारे शरीर में हो जाए तो अच्छा लगेगा?
तो यद्यपि वो निशान वो शरीर का स्वरूप नहीं है, फिर भी वो निशान दुखदायक नहीं। इसी तरह भगवान को प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है वह यद्यपि आत्मा का सौंदर्य नहीं है, आत्मा के सौंदर्य में की व्यक्ति में अभिव्यक्ति में कमी है, तो भी उनको उसके होने से तकलीफ नहीं होती। वरन यह होता है कि भगवान को भीतर तो इच्छा तनिक भी नहीं होती, पर भीतर जो केवल ज्ञान होता है तो उस केवल ज्ञान के साथ एक ऐसा सुयोग है कि जहाँ जो वाणी है वह वस्तु स्वरूप को सत्य प्रकाशित करने वाली ही निकलती है। प्रामाणिक आदमी जो होता है सत्य बोलने वाला, तो सत्य है वो तो आत्मा का परिणाम, और कोई भी व्यक्ति वाणी बोलता नहीं क्योंकि वो उसके अधिकार के बाहर की चीज। तो भी जो सत्य बोलता है तो उसकी वाणी सत्य रूप ही, यद्यपि वाणी में सत्य और झूठ नहीं हुआ करता, लेकिन कैसी निकलती है। इस तरह केवल ज्ञान जो प्रत्यक्ष दर्शी है तो वहां जो वाणी होती है वो वाणी प्रामाणिक होती है। इसलिए पुरुष प्रमाण से वचन प्रमाण और वचन प्रमाण से पुरुष की प्रामाणिकता कहलाती है, और इसके बाद वाणी की भी सीमा है, उसमें थकान आ जाती है। कहाँ तक वस्तु स्वरूप का वर्णन किया करें। तो वाणी मैंने हमको जो प्रदेशों का परिस्पंदन होता है उससे अधिक प्रदेशों का परिस्पंदन भगवान को होता है। जैसे क्लास में 50 विद्यार्थी तो सुनते हैं और एक प्रोफेसर एक घंटे तक बोलता है, तो किसको प्रदेशों का परिस्पंदन ज्यादा होता है, वो कार्य क्रिया किसको ज्यादा होती है। इतना होने पर भी प्रोफेसर आनंदित होता है। इस तरह भगवान की जो वाणी है वह तो मूसलाधार मेघ की तरह बरसती है, और वो ओंकार ध्वनि कहलाती है, एकाक्षरी ओंकार रूप, और उस ओंकार रूप ध्वनि से ध्वनि उसमें ऐसी विशेषता है कि वो सारी भाषा रूप परिणत हो जाती है। ये बात थोड़ी हमारे कम समझ में बैठती है, पर आज के विज्ञान ने तो इस बात को थोड़ा सिद्ध किया है। बैठती है समझ में अपने, कि जो ओंकार ध्वनि है भगवान की वो तो जैसे मेघ वर्षा की तरह से बरसती है, लेकिन वह जिसके कान में जाती है तो उसी की भाषा बन जाती है, तो सब अपन अपनी भाषा में उसको सुनते हैं। हम में से बहुत से तो ये कह सकते हैं कि अजी तो गप्पे हैं, ये कोई विश्वास करने लायक बात है। एक आदमी एक ही ओम 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 ऐसा बोलता रहे और सब लोग जो है वो अपने भाव और भाषा रूप उसको सुन सकें, ये संभव है क्या? ये बात संभव में क्या है। एक छोटा बालक जो करता है शुरू में, फिर वो करता है माम 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 माम, ये जो इसकी दो तीन तरह की भाषा है इसमें वो सारी भाषा जो आगे बोलेगा वो छिपी है कि नहीं। मैंने आगे जाकर भाषा की जो अभिव्यक्ति होने वाली है उसका मूल कौन है, और यही भाषा आगे जाकर अभिव्यक्त होती है। इसी प्रकार वो जो ओम ध्वनि है उसमें सब रूप परिणमित होने की शक्ति है, और वह जिसके कान में पड़ती है वह उसे अपनी भाषा में समझ लेता है, सुन लेता है। कोई समझता है, कोई भाषा में ही मुग्ध हो जाता है, और कोई भाषा का जो भाव है उसको ग्रहण करके वहीं निर्विकल्प अनुभूति आत्मानुभूति कर लेता है। कोई श्रावक हो जाता है, कोई मुनि हो जाता है, किसी को केवल ज्ञान भी हो जाता है। इस तरह भगवान की जो वाणी है उसमें प्रदेशों का परिस्पंदन अधिक होने पर भी भगवान के लिए वो कष्टदायक नहीं होती, बल्कि जगत के असंख्य जीवों के लिए वह बड़ी मंगलमय
और मुक्ति पथ प्रदर्शक होती है, मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली। वो सब होता है अपने आप, बोलना नहीं पड़ता, वो सब अपने आप होता है। तो मन में कोई प्रश्न उठा तो उसका उत्तर आ जाता, इतना होता है। इसमें क्या है, इसमें क्या बात है? ये तो वक्ता और श्रोता का कुछ इस प्रकार का सुयोग होता है। और वक्ता कैसा है कि जिसके मन में कोई शंका नहीं। जिस कभी ऐसा होता है कि एक विद्यार्थी प्रोफेसर से प्रश्न करता है और उस प्रोफेसर ने बोलना शुरू किया कि वो विद्यार्थी कहता है बस साहब मेरी समझ में आ गया, अभी उसने पूरा बोला नहीं, जवाब नहीं दिया, वो कहता है मेरी समझ में आ गया। ये क्या है? दोनों का एक है तो उसका उपादान, काम तो उसी का उपादान करता है। इसलिए ये कोई असंभव बातें बिल्कुल नहीं है। उसका एक कारण है कि भगवान तो सर्वोत्कृष्ट महापुरुष हैं, वक्ता सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। अब अगर वो भिन्न भिन्न भाषा में बोलें तो लोग तो वहां सब प्रकार के होते हैं, तिरंत तक भी होते हैं, तो केवल एक भाषा समझने वाले लोग समझ सकेंगे और बाकी डम बैठे रहेंगे। तो वो लोग ये अनुभव करेंगे कि यहाँ आने से फायदा क्या हुआ, समय बेकार गया। और तीर्थंकर जैसे पुण्यात्मा पुरुष के की उस सभा में कोई आदमी ये सोच सके कि यहाँ आने से क्या फायदा हुआ, समझ में तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसमें तीर्थंकर का कितना बड़ा अपमान है। इसलिए तीर्थंकरों की ध्वनि वो एकाक्षरी ही होनी चाहिए, भिन्न भिन्न रूप नहीं है। फिर वो 18 महाभाषा रूप और 700 छोटी भाषा रूप परिणमित हो जाती, कर देते हैं गंधर्व, कर देते हैं गंधर्व भी तो होते हैं, इंद्र वगैरह होते हैं, ये सब इस तरह का काम कर लेते हैं। हाँ, सबके प्रश्नों का उनके अनुकूल ही उत्तर होता है, उनके अनुकूल ही उत्तर होता है, होता है। इसमें क्या झगड़ा है? किसी सभा में एक वक्ता बोल रहा है एक विषय पर और कई लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठे और बिना कहे ही उनका समाधान हो गया और वो बोल रहा है। ये तो कुछ इस प्रकार की विलक्षणताएं होती हैं, घटित होने वाली बातें हैं, घटित होने वाली बातें हैं। तो देखना चाहिए वक्ता कैसा है। वक्ता जब स्वयं निशंक है और उसको किसी प्रकार की शंका नहीं है तो उसकी जो वाणी है उसमें प्रथम तो शंका पैदा होती नहीं, और यदि किसी को कदाचित प्रश्न पैदा हो तो उसका उत्तर अपने आप आ जाता है। हाँ, सबको अलग अलग उठे। मेरे प्रश्न का समाधान होगा, मेरे प्रश्न का समाधान इनको होगा, इनके प्रश्न का समाधान इनके प्रश्न का समाधान इनको होगा और अपने प्रश्न का समाधान अपने को होगा। एक दूसरे के मन का कैसा होगा, जानते नहीं इनके मन में क्या प्रश्न उठा है। अपने मन में जो उठा है उसका समाधान हमको होगा, किसी दूसरे के मन में उठा है उसका समाधान उसको होगा। क्योंकि विषय का जो प्रवक्ता है वो सर्वांग है, ये बात ध्यान में देने की। उसके उस विषय के प्रतिपादन में जरा भी कसर कुछ नहीं है, बल्कि जितना बोला जाता है उससे अधिक ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना तो बोला ही नहीं जाता। फिर भी जो बैठने वाले हैं वो तो छद्मस्थ होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, इसलिए उनका समाधान होना कोई मुश्किल बात नहीं। अपने प्रवचन में कई लोग ऐसा कहते हैं कि आज मेरे मन में ये प्रश्न था और इसका समाधान हो गया और मैंने पूछा नहीं, ये तो होता है। इसमें क्या है? वो अलग, फिर तो कोई बात हो, क्योंकि अल्पज्ञ है, सारे समाधान तो हो नहीं जाते हैं, सारे प्रश्न उसी समय उठ नहीं जाते हैं,
प्रश्न भी अपने अपने ज्ञान के अनुसार उठते हैं। तो फिर कोई प्रश्न उठे तो उनका समाधान गणधर से, गणधर के जो आचार्य दूसरे होते हैं तो उनसे, मुनिराजों से, किसी से भी समाधान मतलब ढेर होता है, किसी से भी समाधान, क्योंकि अंग और पूर्व के धारी होते हैं, इसलिए छद्मस्थों के समाधान में कोई कठिनाई नहीं होती। तो ये उसका स्वरूप है। चारित्र की अपन चर्चा करते थे, प्रदेशों का परिस्पंदन जब रुकने को होता है तब भगवान की वाणी अपने आप बंद हो जाती है, और भगवान को जहां से मोक्ष जाना होता है शरीर अंतर पड़ गया, मैंने सबके जो पैर हैं और मुंह समय शिखर की ओर हो जाता है, वाणी अपने आप बंद हो जाती है, समव शरण बिखर जाता है, समव संसार नहीं जाता। और भगवान वहां जाकर योग का निरोध करते हैं, करते हैं मैंने ये, इसमें हमको ऐसा लगता है कि उनको कुछ विचार आता होगा, लेकिन स्वतः अपने आप ही वो क्रिया होती है, तो उसमें सारे योगों का स्तंभन हो जाता है और अयोग अवस्था हो जाती है। 14वें गुण स्थान को अयोग केवली कहते हैं। उस अयोग अवस्था का जो काल है वो अ ई उ री और री, ये पांच अक्षर जितना है, पांच अक्षर बोले जितना, भाई इतने समय उसमें रहकर भगवान मोक्ष चले जाते। इस प्रकार ये आत्मा के व्यक्तित्व के चरम विकास की कथा है, ये हमने की। पर हमने विचार शुरू किया था, एक का नाम था निश्चयनय और एक का नाम था व्यवहारनय। निश्चयनय और व्यवहारनय की बहुत चर्चा के बाद एक बात शेष रह जाती, और वो ये कि निश्चयनय और व्यवहारनय के जो विषय हैं वो सदा एक ही होते हैं या उनमें परिवर्तन होता। क्योंकि नए तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक भी हैं, उसका सीधा अर्थ कि एक पदार्थ द्रव्य और पर्याय स्वरूप होता है। द्रव्य तो उसे कहते हैं कि जो अनादि अनंत और अक्षय होता है, एक हिस्सा तो उसका ऐसा होता है, एक हिस्सा ऐसा होता है कि जो प्रति समय बदलता रहता है, जैसे एक चक्र है, एक कुमार का चाक है, वो कुमार का चाक चलता है, घूमता है ना, और घूमता हुआ भी उतना का उतना रहता है, तो उतना का उतना रहता है उसका नाम द्रव्य, और जिसमें प्रति समय चक्कर होता है तो उसका नाम पर्याय। तो ये दो स्वभाव हर पदार्थ में होते हैं, तो इन दो स्वभावों में जो उस द्रव्य को जानता है, द्रव्य को विषय करता है, उसको द्रव्यार्थिक न कहते, और जो पर्याय को जानता है, परिणमन को जानता है, उसे पर्यायार्थिक न कहते। द्रव्यार्थिक में द्रव्य है अर्थ जिसका, अर्थात द्रव्य को जानना है प्रयोजन जिसका, उसका नाम द्रव्यार्थिक। पर्यायार्थिक मैंने पर्याय को जानना है अर्थ अर्थात प्रयोजन जिसका, उसका नाम पर्यायार्थिक। तो मूल नहीं तो ये दो भी होते हैं, और इनको विशेष रूप से आत्मा में ही व्यवहार करने का उपदेश जिनवाणी में है कि तुम केवल अपने आत्मा का द्रव्य और पर्याय से विचार करो, क्योंकि द्रव्य और पर्याय से सारे जगत का स्वरूप जानने के बाद यह निश्चय होता है कि सारे ही द्रव्य और उनकी पर्याय वे उस पदार्थ के भीतर ही रहती हैं, और मेरे भीतर उनका कोई प्रवेश नहीं होता, तो मेरे द्रव्य और पर्याय किसी दूसरे के भीतर नहीं जाते। इस तरह की स्वाधीनता होने के कारण मुझे दूसरे के द्रव्य पर्याय में अपना ज्ञान खपाने से कोई फायदा नहीं। ये जान लेने के बाद वो अपने द्रव्य के भीतर आ जाता है, पदार्थ के भीतर आ जाता है,
और उसको प्रमाण में आना कहते हैं। प्रमाण में आकर उसने अपनी आत्मा को द्रव्य पर्याय स्वरूप देखा, लेकिन प्रमाण का ज्ञान उसे कहते हैं कि जिसने द्रव्य पर्याय को देखकर ये जाना कि पर्याय में अटकना नहीं है अथवा प्रमाण के विषय में नहीं अटकना है, पर प्रमाण में जो शुद्ध द्रव्य है कि जो वास्तव में अवलंबन देने लायक है, सहारा देने लायक है, तो वहां अपने आप को स्थापित करना है। इसलिए प्रमाण ज्ञान का फल भी यह है कि वो द्रव्य और पर्याय का विचार लंबा ना कर दे, अथवा केवल पर्याय में अहम बुद्धि करके पर्याय में अटक कर प्रति समय नाश को और आकुलता को प्राप्त ना हो, लेकिन द्रव्य जो निराकुल तत्व है, क्योंकि स्थाई है, ध्रुव है, अक्षय है और संपूर्ण है, वहां अपनी पर्याय को, अपने ज्ञान को, श्रद्धा को स्थापित करके और उसी में विहार करता हुआ वो आनंद का अनुभव करे। ये कर्तव्य हो गया स्वतः ही अपने आप ही। इसलिए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो न होने पर भी हमारे यहाँ निश्चय व्यवहार की चर्चा क्यों की गई? कभी इस कारण पर किया विचार? क्योंकि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये तो एक ही द्रव्य के द्रव्य और पर्याय को विषय करते हैं और मुख्य रूप से आत्मद्रव्य। लेकिन जो निश्चय व्यवहार है तो व्यवहार के अन्य और भी अनेक रूप हैं। यद्यपि जो पर्यायार्थिक नय है उसको व्यवहार भी कहते हैं, क्योंकि पर्याय वो अहम करने लायक नहीं है, इसलिए वो हे है, और इसलिए उसको व्यवहार की कोठी में, क्योंकि व्यवहार हे है इसलिए उसको व्यवहार की कोठी में डाला गया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी व्यवहार हैं कि जहां देह को आत्मा कहा जाता है और आत्मा को देह कहा जाता है, तो उसका समाधान कौन करेगा? द्रव्यार्थी क्या पर्यायार्थी? उसका समाधान निश्चय व्यवहार करेगा। वो ये कहेगा कि ये जो बात कही जा रही है इसका प्रयोजन केवल आत्मा को बताना है कि शरीर ही आत्मा है, किसी ने ऐसा बोला तो उसका मतलब शरीर और आत्मा ये दोनों एक हैं, ये बताना था, क्योंकि ये बात उसको बताई जाती है वास्तव में जिसको शरीर और आत्मा का भेद मालूम हो या जिसने विचार शुरू किया हो। शरीर और आत्मा एक है, यह बात जो शरीर और आत्मा को एक माने बैठा है और उसे शरीर और आत्मा के भिन्नत्व का संकेत भी नहीं दिया गया, तो उसको तो वो जो मिथ्या बुद्धि है वो पुष्ट हो जाएगी। इसलिए शरीर और आत्मा का भिन्नत्व उसे कुछ भाषित हो तब ये कहा जाए कि देखो ये जो शरीर है वही आत्मा है। एक तो ये प्रकार होता है, दूसरा ये कहता है ये प्रकार है कि आत्मा शरीर में रहता है, दूसरा प्रकार ये। ये दोनों जो वचन हैं वो वास्तविक नहीं, क्योंकि न तो शरीर आत्मा है, क्योंकि वो तो स्पष्ट ही दूसरा द्रव्य है। फिर ये क्यों कहा गया शरीर आत्मा है? और शरीर बोलते समय हमने आत्मा क्यों लगाया? इससे ये पता चला कि हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, और उसका अर्थ यह है कि वहां उस शरीर में कोई दूसरा पदार्थ है, दूसरा तत्व है कि जो वहां रहता है, लेकिन वो शरीर नहीं। और अगर ये न कहा जाए तो, ये न कहा जाए तो फिर हम आसमान में आत्मा तलाश करें, तो फिर हम पेड़ पत्तों के भीतर जाकर, जमीन के कंकरों में, नदी नालों में, समुद्र में, वहां जाकर आत्माएं तलाश करेंगे। पर यह तो पता चलना चाहिए पहले कि वो मेरी आत्मा नाम की चीज कहाँ रहती है, कहाँ है। यदि भी वो रहती स्वयं में ही है, फिर भी उसका एक ऐसा दूसरा स्थान भी होता है कि जिसके बिना वो रह नहीं सकती, तो उस स्थान को भी आत्मा कहना इसका नाम व्यवहार न है। ये व्यवहार न इसका स्पष्टीकरण करता, बताया क्या उसने, शरीर बताया या आत्मा बताया? आत्मा बताया। इसलिए जो निश्चय का प्रतिपादक है
निश्चय में जो वास्तविक वस्तु स्थिति है उसको जो बताता है, उसका जो प्रतिपादन करता है, उसका जो ज्ञान कराता है, उसका नाम व्यवहार न है। ये परिभाषा हमेशा याद रखने लायक, कोई भी हो, चाहे निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात हो, निश्चय व्यवहार की बात हो। तो यहां से हमने शुरू किया उसके लिए कि जो आत्मा से अत्यंत अपरिचित है और जो आत्मा की सत्ता भी स्वीकार नहीं करता, तो उसको हम कहां से शुरू करेंगे कि तुम जो आत्मा कहते हो यह तो बताओ कि, और यह कहते हो कि वो आत्मा इन शरीर आदि से न्यारा है, ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन वो रहता कहां है, उसे कहां ढूंढूं मैं, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड पड़ा है। अगर तुम इसका ठिकाना नहीं बताते, भले वो आत्मा आत्मा में ही रहता हो, लेकिन फिर भी ये तो बताओ कि उसको ढूंढूंगा कहां, मैं किस तरह तलाश करूंगा उसे। जैसे तुम्हारा मकान कहाँ है, तो इसका एक सच्चा उत्तर तो यह है कि वो तो जहां है वहीं है, मकान मकान में ही है। तो ठीक है, आ जाना। कह रहे भाई मेरी समझ में नहीं आया, कि तुम्हारी समझ में नहीं आया तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि इससे आगे कोई जवाब नहीं है कि मकान मकान में ही रहता है त्रिकाल, कि मैं तो नहीं पहुंच सकता, कोई दूसरी बात हो तो बताओ। तब दूसरी बात हमने क्या बताई कि देखो ऐसा है कि वो प्रसिद्ध डॉक्टर है, उसका मकान जानते हो? हाँ जानता हूं। तो उसके बिल्कुल सामने मेरा मकान, तो उस डॉक्टर के सामने मेरा मकान है, ये हमने कहा और बात समझ में आ गई। लेकिन ये मेरा मकान डॉक्टर के सामने है, यह बात सच्ची है क्या? क्योंकि हम हमारे और डॉक्टर के मकान का संबंध क्या है जो हमने हमारे मकान के साथ डॉक्टर लगाया? ये जो एक के साथ दूसरे को लगाने का जो तरीका है, इसका नाम है व्यवहार ना है। और अगर हम इसका उपयोग नहीं करते, यदि भी संबंध नहीं है कुछ भी, और ये आमने सामने भी झूठी बात, क्यों? आमने सामने क्या होता है, वो तो उसकी जगह है। अब उसके लिए कहा जाए कि उसकी दिशा कौन सी है, कि दिशा विशा नहीं है उसकी कोई, वो तो उस जगह ही है। तो पूरब दिशा पूरब दिशा नहीं है, पश्चिम दिशा के पश्चिम भी नहीं, तो क्यों दिशा क्यों लगाते हो उसके साथ, मेरे मकान के साथ? वो दिशा का गुलाम है वो। तो ये जो दिशा लगाई है, ये दिशा भी सचमुच मकान का रूप नहीं है, अन्य चीज है। तो अन्य चीज को अन्य के साथ इसलिए लगाया जाता है कि उसका ज्ञान हो जाए, पर उस दिशा को हम वस्तु नहीं मान लेते। वो डॉक्टर से हमने अपने मकान का ज्ञान किया, तो डॉक्टर के मकान से हम अपना कोई संबंध नहीं मान लेते, लेकिन उससे मकान का पता जरूर चल जाता है। अब तुम्हें उसमें प्रवेश करना हो तो करो, नहीं करना हो तो डॉक्टर के पास है, इसको इसका विलाप करते रहो। पर व्यवहार का काम क्या हुआ? और व्यवहार में एक विशेषता यह है कि वह अपनी बात नहीं करता, लेकिन वो अपने द्वारा किसी वास्तविक बात को बताता है। कहां है मकान तुम्हारा? तो डॉक्टर के पास है। इसमें हम डॉक्टर को बता रहे हैं या मकान को बता रहे हैं? मकान को बता रहे हैं। और बात में तो डॉक्टर भी आया है, लेकिन हमें डॉक्टर की बात नहीं करना है वहां, हमें अपने मकान की बात करना है। इसलिए मकान को बताया है, तो व्यवहार स्वयं अपनी बात नहीं करता और यह निश्चय का परिचय देकर चला जाता है। कोई अगर बताने भी गया तो कि देखो यह है, ये डॉक्टर का मकान और ये उनका मकान, अब हम उससे कहें चलो आप भी चलो हमारे साथ, कि मैं क्यों चलूं, मेरे को थोड़ी काम है, कि नहीं नहीं आपने इतना उपकार किया, ऊपर नहीं चलोगे क्या? कि मेरा तो काम हो गया, मैं तो अब वापस लौटता हूं। ये व्यवहार नहीं काम करता है, कि उसने ये बताया
कि आत्मा तो शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान और आनंद स्वरूप है, ये बताया उसने। फिर एक बुद्धिमान ये बोला कि चलो भाई तुम भी साथ चलो, तुम तो इतने उपकार करते हो, चलो दोनों मिलकर ये आत्मा का अनुभव करेंगे। ये मेरा काम तो हो गया, मैं तो जाता हूं, तुम भीतर जाओ और तुम उस आनंद का अनुभव करो, वो अधिकार तुमको ही है। मेरा काम केवल इतना ही था, इसलिए व्यवहार अपनी बात करके विलीन हो जाता है। तो एक रूप तो अपन ने वो शुरू का निश्चय और व्यवहार का जाना कि जैसे दो पदार्थ बिल्कुल न्यारे न्यारे, उन दो पदार्थों में जो पदार्थ हमको जानना है उसका ज्ञान करने के लिए हम किसी दूसरे पदार्थ का की बात करते हैं, सहारा लेते हैं, अथवा उस पदार्थ को ही उस दूसरे पदार्थ के नाम से पुकारते हैं, उसकी पर्याय को ही हम उसकी पर्याय के नाम से पुकारते हैं। जैसे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन, सात तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन इत्यादि कहते हैं ना, उस रूप में ही कहते हैं। लोक में भी कहते हैं, जैसे जो नक्शा है उसके जो लकीरें हैं तो उन लकीरों में नाम क्या देते हैं, हम एक ये खड़ी लकीर, एक ये आड़ी लकीर, ऐसा बोलते हैं। तो क्या बोलते हो विजय है, क्या बोलते है? कोई तुमसे कहे अरे लेकिन लैट्रिन बाथरूम कहाँ है ये तो बताओ, मुझे लैट्रिन बाथरूम करना है, तो नक्शे में कहाँ बताओगे? जैसा ये वो नहीं है, है तो सही लेकिन वो नहीं, और नाम क्या है, और ये नाम नहीं देते तो यूं कहते कि नक्शे का आकार है, नक्शे का आकार है, लकीरें हैं, तो फिर बनता मकान और कागज पर नक्शा बना लिया तो मकान बन जाएगा, लेकिन मकान बनाने के लिए नक्शा बनाया है और पास में पैसा है तो मकान बनेगा, तब उस मकान, तब उस कागज को मकान अथवा मकान के नक्शे के नाम से मकान ही कहते हैं, साक्षात उस नाम से पुकारा जाता है। तो पहला जो व्यवहार और निश्चय हुआ वो तो दो पदार्थों संबंधी, इसके बाद हम आत्मा के भीतर आए और कि हाँ आत्मा नाम के पदार्थ का अस्तित्व है, तब वहां आकर हम बोले कि क्रोधादि भाव आत्मा में ही होते हैं, इनका कर्ता कोई दूसरा पदार्थ, मेरे से भिन्न पदार्थ अथवा मेरे साथ लगे हुए कर्म, वे इनके कारण और कर्ता नहीं। इतना होने पर भी व्यवहार ने ये बताता है कि जो क्रोधादि भाव होते हैं वे कर्म के उदय के बिना नहीं होते, नहीं ऐसा नहीं है कि साहब तब तो कर्म कर्म कर्म, आप तो कर्म से इनकार करते हो, वो कर्म के उदय के बिना, अरे भाई उदय के बिना नहीं होते तो भी कर्म का उदय उनको उत्पन्न नहीं करते। जैसे झगड़ा होता है तो कब होता है कि दो आदमी हो और एक आदमी हो तो एक आदमी, झगड़ा अच्छी चीज है बुरी चीज है? बुरी चीज, अच्छी चीज तो अकेले में ही होती, लेकिन बुरी चीज दो के होने पर ही हो सकती है, इसलिए झगड़ा दो के होने पर ही हो सकता है, एक के होने पर झगड़ा नहीं होता। एक के होने पर अकेला आदमी दीवार से सिर फोड़े तो झगड़ा नहीं कहलाता, लेकिन झगड़े के लिए दूसरा आदमी अवश्य होना चाहिए, पर दूसरे आदमी के होने पर झगड़ा हो ही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन होता है तो दूसरे के होने पर ही होता है, इसलिए दूसरा आदमी झगड़े का कारण है या नहीं? नहीं है, नहीं है तो भी जब झगड़ा हुआ तो दूसरे आदमी को उसका कारण कहा गया, वो वास्तव में कारण नहीं, क्योंकि अपने मन में झगड़ने की बात ही नहीं आवे तो वो क्या झगड़ेगा, झगड़ा कैसे होगा। इसलिए मूल चीज तो हमारे मन में झगड़ना होना चाहिए, लेकिन वो भी तब साकार हो सकता है कि जब दूसरा व्यक्ति हो, लेकिन दूसरे आदमी की कारणता 1% भी नहीं है। इसी तरह क्रोधादि भाव झगड़ालू भाव हैं आत्मा के, और वे भाव तभी पैदा हो सकते हैं कि जब कोई दूसरा हो, उस दूसरे आदमी को यहां कर्म के नाम से कहा कि जो सदा से आत्मा के साथ लगे हुए हैं, दिखते हो नहीं दिखते हो ये प्रश्न बाद का, दिखते तो वही नहीं है, वो वायु नहीं दिखती है, और वायु से कोई बावला होता है तो भाई ये जो बावला हुआ है तो वायु से हुआ है, कहते हैं ऐसा कहा वैद्य ने, तो वायु तो बताओ,
वही कैसी है, कहाँ रहती है, कैसा रंग है, कैसा रूप है, कितना वजन है उसका, कि वो तो नहीं, वो तो बताया नहीं जा सकता। तो फिर नहीं है वायु कहते। अरे भाई वायु है। ठीक, ऐसी बात नहीं है कर्म की, कि ये जो आदमी क्रोधादि से बावला दिखाई देता है, मिथ्या दर्शन अज्ञान से ये जो पागल दिखाई देता है, पागल जैसी बातें करता है बिल्कुल, कि जो इसका बिल्कुल नहीं है उसको अपना कहता है, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहता है, माँ को पत्नी कहता है, पत्नी को माँ कहता है, गठर में पड़ा रहता है, बक बक करता है चाहे। तो ये दिन भर क्या करता है, ये हम क्या करते हैं दिन भर, बक बक करते हैं या अच्छे बोलते हैं शिष्टाचार, दिन भर बकवास, क्योंकि सारा तत्व के विरुद्ध है बात, और मानते सही है नहीं, वास्तविक मान्यता है नहीं। इसलिए दिन भर ऐसा जो पागलपन है उसके लिए कोई न कोई दूसरी वस्तु साथ होना चाहिए। जैसे मदिरा पीने वाला व्यक्ति, तो वो जो अल्प जल्प बोलता है तो उसके भीतर उसके पेट में कोई न कोई ऐसी चीज, मदिरा जैसी चीज होना चाहिए, लेकिन मदिरा उसको इस तरह बुलाती नहीं, क्योंकि वो जितनी उछल कूद करता है मदिरा में वो उछल कूद नहीं, वरना बोतल भी नाचे, पर वो मदिरा की बोतल तो नाचती नहीं, वो तो कुछ करती नहीं। पर योग किसी का होता है तो विकार होता है, ये एक नियम हो गया। इसलिए वो कर्म विकार पैदा करता है, ये बात इसलिए बताई जाती है कि सचमुच विकार वो कर्म के उदय के बिना नहीं होता, बस इतनी बात बताना है, इसलिए वो भाषा बोली जाती है। भाषा तो हम अनेक प्रकार की बोलते ही हैं, इसलिए ये निमित्त परक भाषा, निमित्त को कारण अथवा कर्ता कहना, यद्यपि वो बिल्कुल कारण और बिल्कुल कर्ता नहीं है, तो भी उसे इस वो असली ज्ञान कराने के लिए कर्ता और कारण कहते हैं, इसका नाम हुआ व्यवहार नय। और वो कर्ता और कारण नहीं है, जीव विकार करने में स्वतंत्र है, इसका नाम हुआ निश्चय। ठीक है, क्रोधादि भाव जीव निश्चय स्वयं करता है, ये जो कथन है और ये जो ज्ञान है ये निश्चय नहीं का है, बल्कि इसको तो शुद्ध निश्चय नहीं भी कहा। वो समझने की बात कि शुद्ध निश्चय नहीं से जीव स्वयं ही अपने क्रोधादि भावों का, मिथ्या दर्शन का, अज्ञान का करता है। उसका अर्थ क्या हुआ कि शुद्ध निश्चय नय से यदि मिथ्या दर्शन और क्रोधादि भाव करता है तो फिर ये भाव बढ़िया हुए, क्योंकि शुद्ध निश्चय नय से हुआ। पर उसका अर्थ यह है कि ये शुद्ध सत्य है कि जीव के विकार में किसी दूसरे पदार्थ का कोई हाथ नहीं, और शुद्ध असत्य भी होता है, नहीं होता। और जो भाव ये जीव करता है वो शुद्ध झूठ है, मिथ्या दर्शन शुद्ध झूठ है कि अशुद्ध झूठ? मैंने मिथ्या दर्शन में सत्य का कुछ अंश शामिल है तो क्या है फिर? शुद्ध झूठ है। तो इसलिए अब निश्चय नहीं का दूसरा पहलू कि क्रोधादि भावों का कारण और कर्ता कर्मादि को कहा जाता है, तो वो इसलिए कहा जाता है क्रोधादि भावों के समय उसके अनुकूल कोई दूसरा पदार्थ होता है, उसको कर्ता और कारण कहने की रीति है। इसलिए है कि क्रोधादि भाव अपने आप बिना किसी के योग के जीव में पैदा नहीं होते, किसी का योग अवश्य होना चाहिए, और वह योग क्रोधादि भावों को पैदा नहीं करता। ये हो गया। अब क्रोधादि भाव जीव करता है और वे उसी के परिणाम हैं, यदि यह मान लिया जाए तो क्रोधादि भाव ये तो अकुलता पैदा करने वाले, कष्ट पैदा करने वाले भाव हैं। तो इतना मानकर अगर बैठ जाए और ऐसा विश्वास कर ले तो वह विश्वास कभी भी मुक्त नहीं होने देगा, सुख पैदा नहीं होने देगा। इसलिए अब आगे चलकर निश्चय व्यवहार का रूप बदल जाता है और वो ये कहता है
कि भले ही क्रोध आदि भाव आत्मा में पैदा होते हों, लेकिन जब हम आत्म द्रव्य को देखते हैं तो आत्मा क्रोधादि भावों का कर्ता नहीं। तब जीव को क्रोधादि भावों का कर्ता कहना, इसका नाम हुआ व्यवहार। पहले था निश्चय, वो अब क्या हो गया? व्यवहार हो गया। तब जीव किसका कर्ता हो गया? अब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता है, क्रोधादि भाव का कर्ता नहीं है। क्यों कर्ता नहीं है? क्योंकि जीव का स्वभाव, जीव का स्वरूप क्रोधादि भावों से बिल्कुल न्यारा है। क्रोधादि कुरूप हैं और जीव सुंदर। क्योंकि जब जब कषाय आती है तो हमारे मुंह पर ही फर्क पड़ जाता है। हमारा वो मुंह रहता है वास्तविक नॉर्मल, जिसका फोटो लिया जाए। तो ऐसे ही आत्मा, आत्मा में भी इस तरह की विकृति होती है कि उसका स्वरूप सौंदर्य वो क्रोधादि के होने पर बिगड़ता है। इसलिए वे उसके भीतर उसकी पर्याय में उत्पन्न होने पर भी उसके वास्तविक कर्म नहीं है। ऐसा जो जानता है तो वो शरीर की तरह क्रोधादि भावों से भी ममत्व तोड़ देता है कि ये मेरे वास्तविक कर्म नहीं है। इस तरह ममत्व टूटा और शुद्धात्मा जो उसका है उसके साथ ममत्व स्थापित किया। इसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और उसमें स्थिरता हुई, उसका नाम सम्यक चारित्र। अब फिर निश्चय व्यवहार का विषय बाकी रहा नहीं रहा कि अब जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय वह भी अनित्य होने के कारण ममत्व करने लायक नहीं। उसकी उत्पत्ति ही तब होती है कि जब जो अक्षय ध्रुव चैतन्य है द्रव्य, उसकी श्रद्धा और उसकी अनुभूति की जाती है। तो उसकी अनुभूति और श्रद्धा का नाम ही तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। तो ये कब पैदा हुए? कि क्रोधादि भावों को अपनत्व दिया जाता तो ये पैदा नहीं होते, लेकिन शुद्ध चैतन्य को अपनत्व और ममत्व दिया गया तो इनका जन्म होता है। तो अब कौन ममत्व करने लायक रहा? क्योंकि जो शुद्ध चैतन्य है वो सदा एक सा रहता है, एक रूप रहता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उसको दिया गया ममत्व वो भी कभी खंडित नहीं होता, वो भी अपने किसी दूसरी विषय को, दूसरे विषय को तलाश नहीं करता। इसलिए वो हो गया निश्चय का विषय और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये हो गए व्यवहार नय के विषय। और सम्यक दर्शन की कक्षा में तो वो जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है अपनी, वो है जीव तत्व, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि ये सब है अजीव तत्व, केवल ज्ञान और सब। क्योंकि इसको जीव कहा तो इससे जो भिन्न स्वभाव वाला है उसको भी यदि जीव कहा जाए तो उसमें अवश्य ही ममत्व करना पड़ेगा। बात समझने की है। शुद्ध जीव तत्व का स्वरूप यद्यपि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय निर्मल है, मोक्ष की पर्याय निर्मल है, फिर भी वो शुद्ध जीव तत्व से विरुद्ध है। जैसा शुद्ध जीव तत्व का स्वरूप है वैसा मोक्ष का स्वरूप, संवर निर्जरा का स्वरूप नहीं है। इसलिए जब हमने इस शुद्ध जीव तत्व को, अक्षय को, अनादि अनंत को यदि हमने जीव माना, आत्मा माना, स्वयं माना और इसको ममत्व दिया, तो फिर इससे विरुद्ध भाव को ममत्व नहीं दिया जा सकता। और यदि ममत्व दिया जाएगा तो इसका ममत्व खत्म, क्योंकि ममत्व एक ही समय में दो विपरीत भावों में नहीं होता। ये सिद्धांत, ये फॉर्मूला, दो विपरीत भावों में एक ही समय में ममत्व नहीं होता। या तो पर्याय में ममत्व कर लिया जाए अथवा द्रव्य में ममत्व कर लिया जाए, ज्ञान दोनों का हो सकता है। लेकिन ममत्व माने श्रद्धा, विश्वास, अहम, ये एक समय में दो विपरीत भावों का नहीं होता। या तो शुद्ध चैतन्य का हो या उससे भिन्न प्रकार के जितने भी भाव हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मोक्ष पर्याय, क्रोधादि विकार भाव, कर्मादि, देहादि, इनमें ममत्व हो। तो जब ये सारा ममत्व समाप्त हो जाता है तब परम शुद्ध निश्चय नय का विषय जो शुद्धात्मा है और जो तीनों का अवलंबन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, वो प्रकट होता है।
प्रकट होता है ना, तो सदा ही रहता है, और वही परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। शेष सारे के सारे व्यवहार नय की कोटि में आ जाते। इस तरह वो विषय क्यों बदलते हैं, इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि निश्चय और व्यवहार वे प्रयोजन परक नय हैं, इसलिए जैसे प्रयोजन बदलता है उसी प्रकार इनका विषय भी, ये प्रयोजन से उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रयोजन बदलता है तो इनका विषय भी बदल जाता है। और अंतिम विषय जिसमें आत्मा का परम हित, परम कल्याण और मोक्ष समाहित है, वो वास्तविक विषय शुद्ध चैतन्य तत्व है, और वो परम शुद्ध निश्चयने का विषय कहलाता है। इससे बड़ा दूसरा नय नहीं है, इसको नयाधिराज भी कहते हैं।